और रांची में अंबा प्रसाद के आवास के अलावा कई जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। सीओ शशि भूषण सिंह हवाई नगर रोड नंबर 5 स्थित बंगला भी ईडी की टीम वहां पर पहुंची है। अंबा प्रसाद शक्ति इलेक्ट्रिकल कंपनी में अंजन प्रसाद, किशोर प्रसाद, सुरेश प्रसाद के साथ पार्टनर भी हैं। सरिया टोला पतरातू में रहने वाले गज्जू साव के साथ भी अंबा ने इन्वेस्ट किया है। अंबा प्रसाद का कार्यालय पतरातू PTPS कॉलोनी में रोड नंबर 5 में भी है। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान का एक बार रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए वापस से ईडी रेस हो चुकी है, ऐसे में राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन बड़कागांव से विधायक हैं अंबा प्रसाद, ना सिर्फ उनके ठिकानों पर, उनके सीओ जो है शशि भूषण उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है, साथ साथ उनके परिजनों के ठिकानों पर भी ये छापेमारी चल रही है। फिलहाल आपके पास और क्या कुछ अपडेट? देखिए सुबह से ही अंबा प्रसाद के कई ठिकाने, योगेंद्र साहु के कई ठिकाने सहित कई अन्य लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है 1.5 दर्जन से अधिक ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। लेकिन यह पूरी कार्रवाई की अगर जो प्रमुख बातें हैं वो अंबा प्रसाद जो कि बड़कागांव से कांग्रेस के विधायक हैं, सीओ जो मौजूदा समय में गोविंदपुर धनबाद में पदस्थापित है सीओ शशि भूषण, उनके ठिकाने पर भी यह छापेमारी की जा रही है। हालांकि दोनों के बीच में जो है वो कई तरह के जो तालमेल बहुत अच्छे थे, रिश्ते जो थे वो काफी अच्छे थे काम को लेकर के, तो ऐसे में इस कामकाज के दौरान जो है बड़कागांव के विधायक रहते हुए अंबा प्रसाद सीओ रहते हुए शशि भूषण के कार्यकाल के दौरान जो है वो उनके क्षेत्र में जब जमीन विवाद हुआ था उसी विवाद को लेकर के भी चर्चा में पिछले दिनों ये सारी बातें आई थी। लेकिन आज सुबह में जब से ईडी के अधिकारी जो अंबा प्रसाद के सरकारी आवास जो हम जिस आवास के ठीक मेरे पीछे ये आवास है, इस आवास पर तमाम लोग अधिकारी पहुंचे, तो ऐसे में कई कमेंट्स को जहां खंगाला जा रहा है वही कई चीजों को लगातार जांच किए जा रहे हैं, क्योंकि इस जांच के दौरान जो है कई दस्तावेजों को खंगालना है। और ऐसे में जो मेरे ठीक सामने में एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है जिसमें अंबा प्रसाद घूमती है, अंबा प्रसाद अपने विधानसभा क्षेत्र हो या फिर अपने कार्यालय हो इसी गाड़ी का इस्तेमाल करती है। इस गाड़ी में रखे कई दस्तावेज और अन्य चीजों की जांच भी जो है वो ईडी के अधिकारी कर रहे थे, क्योंकि जैसे ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे अलग अलग कमरों में तलाशी ली जा रही थी, उसी दौरान इस गाड़ी पर भी नजर पड़ी और इस गाड़ी पर रखे अन्य तरह की तमाम जो दस्तावेज थे जो चीजें थी उसे बाहर निकाला गया और फिर उन तमाम चीजों को लेकर के सभी अधिकारी जो है वो रूम पर चले गए और रूम पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि इस दौरान अंबा प्रसाद भी इसी आवास पर मौजूद है, सरकारी आवास है, सरकारी आवास में अंबा प्रसाद यही मौजूद थी और उसी दौरान जो है यहाँ पूरी कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई है। हालांकि छापेमारी के दौरान अब तक क्या कुछ बरामद हुआ ये सारी चीजें तो स्पष्ट नहीं है अंबा प्रसाद के यहाँ से, लेकिन सीओ जो कि गोविंदपुर में पदस्थापित है, शशि भूषण के रांची स्थित आवास है जो बंगला है, उस बंगले से तकरीबन 20 लाख रुपए से अधिक पैसे बरामद होने की सूचना है। सूचना के आधार पर ईडी के अधिकारी लगातार उन पैसों के बारे में भी जानकारी शशि भूषण से प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि आखिर इन पैसों का क्या कुछ रोल है और किस तरह से इस पैसे यहाँ पे इतने जो अमाउंट है वो रखे हुए थे 20 लाख रुपए से अधिक बताया जा रहे हैं। बिल्कुल इमरान, तो देखिए सीओ शशि भूषण सिंह के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। आप हमारे साथ बने रहिए इमरान, क्योंकि हमारे साथ सीओ आवास से संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए, वहां भी एक बार रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, कुछ सूचनाएं निकलकर सामने आ रही है कि कैश की बरामदगी हुई है, फिलहाल आपके पास और क्या कुछ अपडेट है शाहनवाज? जी हाँ सुष्मिता, मैं जिस आवास के सामने खड़ा हूँ वो शशि भूषण सिंह का आवास है जो सीओ हैं इस वक्त गोविंदपुर धनबाद के, इससे पहले वो हजारीबाग सदर और कटकमदाब में भी पोस्टेड रह चुके हैं, सीआई थे पहले, उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे लेकिन बाद में उल्टा उनका प्रमोशन हो गया है। उनको विधायक अंबा प्रसाद का खासम खास माना जाता है। उनके घर से सूचना जो मिल रही है अपुष्ट सूचना के मुताबिक 20 लाख रुपये कैश बरामद किए गए हैं और जो बेसमेंट में कुछ लॉक लगा हुआ है उसको भी तोड़े जाने की पूरी नज़ारे यहां से हम लोग देख रहे थे लेकिन हटा दिया गया है और उसको बंद कर दिया गया है जिस दरवाजे को जिससे कुछ दिखाई दे रहा था। बहरहाल ये जो कैश है उसकी गिनती बढ़ भी सकती है, बढ़ करके 50 लाख 56 लाख भी हो सकती है। और ये देखें ये
ईडी के अधिकारी हैं जो बालकनी से अभी आगे आके देख रहे थे बाहर का क्या माहौल है, वो जांचने की परखने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल नीचे के एक साइड में एक डिजिटल लैब को भाड़े पर दिया हुआ है, लेकिन पूरा मकान नीचे से ऊपर तक और ख़ास करके बेसमेंट का गोदाम जो है वो भी शशि भूषण सिंह के इस्तेमाल में है। 20 लाख रुपए बरामदगी की सूचना तो है, भी मंगवा सूचना या कोई इशारे बाहर में नहीं है। कैश की तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि मैंने कहा कि बेसमेंट में अब कुछ ऐसे लॉक्स हैं जिसको तोड़ने की आवाज़ आ रही थी, उसको तोड़ा जा रहा था, ऐसा आदेश या निर्देश ईडी के अधिकारियों ने दिया है। ये एक भ्रष्ट पदाधिकारी रहे हैं और उनका संबंध एक सत्ता दल से संबंधित एक विधायक से है, और जाहिर है ऐसे ठिकानों पर बहुत जब छापेमारी पड़ती है तो पूरी रिसर्च के बाद पड़ती है, और रिसर्च के बाद जब छापेमारी पड़ती है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बरामद भी होती हैं। तो शशि भूषण सिंह के द्वारा की गई काली कमाई और अब तक किए गए भ्रष्टाचार का अब हिसाब किताब चालू हो गया है। अब ईडी ही बताएगी कि यहाँ पर से कितना धन बरामद हुआ है। बहरहाल अपुष्ट प्रारंभिक सूचना के मुताबिक 20 लाख रुपए की बरामदगी इस आवाज से हो चुकी है। बिल्कुल शाहरवास, देखिए कैस की बरामदगी की सूचना निकलकर सामने आ रही है, और जो आज जानकारी आप दे रहे हैं कि ये जो रुपए हैं वो बढ़ भी सकते हैं। हमारे साथ देखिए, क्योंकि अंबा प्रसाद के आवास से संवाददाता इमरान जुड़े हुए हैं, इमरान का वापस से एक बार रुख कर लेते हैं। इमरान देखिए, सीओ शशि भूषण सिंह के आवास से हमारे साथ संवाददाता शाहरवास बने हुए थे, जानकारी दे रहे हैं कि कुछ कैश बरामदगी की भी सूचना है सीओ शशि भूषण सिंह के आवास से। और ऐसे में जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि काफी करीब माने गए हैं बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद के, और साथ ही साथ आप वहां पर मौजूद है, काफी देर से ये छापेमारी चल रही है, क्या इमरान अंदर खाने से कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है क्या आप तक? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ईडी के लगातार दबिशें बढ़ी हुई है, ऐसे में ना सिर्फ रांची हजारीबाग सहित कई ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। तकरीबन 1.5 दर्जन यह ठिकाना है, तो ऐसे में अब तक जो है वो कई घंटे बीत चुके हैं। सुबह 5:30-6 बजे ही तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं अपने अपने ठिकानों पर पहुंच चुके थे, और तमाम जो लोग हैं अपनी कार्रवाई शुरू कर चुके थे। ऐसे में अब तक 6 घंटे से अधिक बीत चुके हैं, और इस दौरान जो है ईडी के अधिकारियों को जो हाथ लगे हैं, जो जानकारी मिल पा रही है उसमें कई दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जानकारी के अनुसार, और उन तमाम दस्तावेजों की जांच जो है ईडी के अधिकारी करने में जुट गए हैं, और तमाम चीजों की जांच की जा रही है, चाहे वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो या फिर हार्ड कॉपी के रूप में हो, तमाम चीजों की जांच जो है ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। दूसरा जो कि सीओ गोविंदपुर में पदस्थापित जो शशि भूषण है, उनके रांची स्थित हवाई नगर स्थित जो बंगला है उस जगह से भी जो कैश बरामद किए गए हैं, उन कैश का आकलन और मिलान जो है वो किया जा रहा है। हालांकि हमारे सहयोगी ठीक कह रहे थे कि इस पूरी कार्रवाई के बाद पैसे जो है वो गिनती जो करने के बाद वो बढ़ सकते हैं, इसकी जांच की जा रही है। कई ऐसे कमरे हैं उन जगहों पर जहां पर अभी भी तलाशी करनी बाकी है, उन तमाम दस्तावेजों की जांच करनी बाकी है। चूंकि सीओ और अंबा प्रसाद बेहद करीबी रह चुके हैं, सीओ जिस वक्त हजारीबाग जिले में पदस्थापित थे उस वक्त अंबा प्रसाद से अच्छे मधुर संबंध थे, जिसके वजह से कई बार जमीन विवाद के मामले में भी खुल करके अंबा प्रसाद के समर्थन करते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि बाद में काफी विवाद भी हुआ था, इस विवाद के बाद जो है वो कई तरह की चीजें भी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई थी, कई लिखित आवेदन जो है वो थाने तक गए थे, और इसी मामले को लेकर के चूंकि ये जमीन से जुड़ा मामला प्रमुखता से देखा जा रहा है, ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के आज जब कार्रवाई शुरू की गई तो शशि भूषण केंद्र बिंदु बन गया। केंद्र बिंदु के साथ साथ उनके सहयोग में जिस तरह के अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव सहित अन्य कई लोगों के नाम जो है इस छापेमारी के दौरान खुल करके सामने आने लगे हैं, तो इस पूरी कार्रवाई जो है इसी इर्द गिर्द जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कुछ और बरामद हो पाता है, क्योंकि अब तक डिजिटल डॉक्यूमेंट के साथ साथ कई दस्तावेजों को जहां खंगाला जा रहा है, वहीं सीओ के यहां से नगद बरामद होने की सूचना है। इनके अलावा हजारीबाग के कई ऐसे थाना क्षेत्र और कई ऐसे इलाके हैं, चाहे करडारी का इलाका हो या फिर अन्य जगह है, उन तमाम जगहों पर
ईडी के जो अधिकारी हैं वो जांच की गति को आगे बढ़ा रहे हैं और जांच किया जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरेगा और कई चीजें जो है वो खुलकर के सामने। बिल्कुल इमरान, तो देखिए बड़कागांव से बताया कि अंबा प्रसाद, उनके यहाँ से कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सामने आने की ये सूचना आप जो जानकारी दे पा रहे हैं, और शाहरवाज जो जानकारी दे पा रहे हैं कि सीओ के आवास से कुछ कैश की बरामदगी हुई है। आप दोनों इस खबर पर नजर बनाए रखिए और पल-पल के अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ पूरे प्रकरण को लेकर लगातार ईडी की छापेमारी क्यों चल रही है और अब तक की क्या कुछ बरामदगी हो पाई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।